अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। शहजाद टेक चैनल पे आपको वेलकम कहता हूँ। आज की वीडियो के अंदर मैं गेमिंग टेस्ट लेके आया हूँ Redmi Note 8 Pro और Huawei P30 Lite का। देखेंगे कि हमें कौन सी डिवाइस अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देती है। Redmi Note 8 Pro और Huawei P30 Lite का कैमरा टेस्ट और स्पीड टेस्ट मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। चैनल पर ना वो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, प्रॉपर गेमिंग टेस्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ स्पेक्स पे नजर डाल लेते हैं। Huawei P30 Lite के अंदर आपको 4GB रैम 128GB स्टोरेज मिल जाती है, जबकि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ प्रोसेसर वगैरह की बात करें तो Huawei P30 Lite के अंदर आपको किरण 710 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर बेस रखा गया है। और Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको Helio G90T का चिपसेट मिल जाता है, जो कि 12 नैनोमीटर बेस ही है। और इसके अलावा प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो Redmi Note 8 Pro की प्राइस आपको 40,000 ग्राउंड बोर्ड और Huawei P30 Lite की प्राइस भी आपको पाकिस्तान की मार्केट में 40,000 के ग्राउंड बोर्ड ही देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे गेमिंग टेस्ट शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गेमिंग टेस्ट के अंदर पबजी को प्ले करके देखेंगे कि कौन सी डिवाइस के अंदर पबजी पहले ऑन होती है, Redmi Note 8 Pro या फिर Huawei P30 Lite के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Huawei P30 Lite थोड़ा सा आगे काम करता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनल देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले PUBG मोबाइल को ऑन करती है। तो यहाँ पे आपने देखा फाइनल दोनों डिवाइसेस ने एक ही साथ PUBG मोबाइल को ऑन किया है, कोई भी डिफरेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। हालांकि यहाँ पे Huawei P30 Lite के अंदर आपको 4GB रैम देखने को मिली है, Redmi Note 8 Pro के अंदर 6GB रैम प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स पे नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले Redmi Note 8 Pro के अंदर ग्राफिक्स को चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे कितने अच्छे ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं और फ्रेम रेट यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ क्या निकल के आ रहा है। सेटिंग अंदर चल के देखते हैं। स्मूथ के साथ आपको मैक्सिमम एक्सट्रीम के ऊपर गेम प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बैलेंस की बात करें तो बैलेंस के साथ अल्ट्रा HD के साथ आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट और HDR का ऑप्शन भी दिया गया, यहाँ पे अल्ट्रा गेमिंग प्ले कर सकते हैं, जबकि अल्ट्रा HD यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल जाता। इसके बाद Huawei P30 Lite के अंदर भी ग्राफिक्स को चेकआउट कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितने अच्छे ग्राफिक्स गेम के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। ग्राफिक्स के अंदर चल के देखते हैं जी, तो यहाँ पे आपको स्मूथ के साथ हाई फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है, बैलेंस के साथ आपको हाई फ्रेम रेट, HD के साथ भी हाई फ्रेम रेट, जबकि HDR का यहाँ पे ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया। तो आप बैलेंस के साथ भी हाई फ्रेम रेट और स्मूथ के ऊपर भी हाई फ्रेम रेट के साथ गेम प्ले कर सकते हैं। PUBG मोबाइल काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल जाता है Huawei P30 Lite के अंदर, मैंने टेस्ट आउट ऑलरेडी करके देखा है। तो ये था PUBG मोबाइल टेस्ट Huawei P30 Lite और Redmi Note 8 Pro के अंदर। यहाँ पे आपने देखा दोनों ही मोबाइल काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं, जबकि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको HDR का ऑप्शन ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छी बात है। Huawei P30 Lite के अंदर HDR मिसिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे आप ग्राफिक्स को कंसीडर कर सकते हैं। Huawei P30 Lite के अंदर आपको ग्राफिक्स थोड़े से कम देखने को मिल रहे हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी को यहाँ पे प्ले करके देखेंगे कि कौन सी डिवाइस हमें कॉल ऑफ ड्यूटी पहले ऑन करके दे देती है, यानी कि किस डिवाइस की स्पीड आपको कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर ज्यादा देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी ऑन हो रही है, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले इसको ऑन करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको साइन इन का ऑप्शन पहले ही देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले गेम प्ले शुरू हो चुका है, जबकि Huawei P30 Lite के अंदर आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है, यानी कि इसके अंदर मैंने लॉग इन नहीं कर रखा था। तो खैर, यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी पहले Redmi Note 8 Pro के अंदर ही ऑन हो चुकी थी, साइन इन का ऑप्शन पहले इसके अंदर देखने को मिला था। तो इसका मतलब यही है कि कॉल ऑफ ड्यूटी Redmi Note 8 Pro के अंदर पहले ऑन हुई है। तो यहाँ पे ग्राफिक्स को हम टेस्ट आउट कर लेते हैं Redmi Note 8 Pro के अंदर, देखते हैं क्या ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग के अंदर चल के ग्राफिक्स के ऑप्शन में देखते हैं जी, तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स के अंदर लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। आप वेरी हाई पे और नीचे फ्रेम रेट्स के ऊपर भी लो, मीडियम और हाई का ऑप्शन मिल रहा है, तो वेरी हाई फ्रेम रेट के साथ आप वेरी हाई ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। Redmi Note 8 Pro के अंदर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है Helio G90T के साथ। Huawei P30 Lite की बात करें तो यहाँ कॉल ऑफ ड्यूटी थोड़ा सा लेट ऑन हुई है, इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे आपको 4GB रैम
देखने को मिल रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ऑन हुई। ग्राफिक्स पे नज़र डाल लेते हैं। ग्राफिक्स के अंदर आपको ग्राफिक्स क्वालिटी वेरी लो, यानी कि लो देखने को मिल रही है। वेरी लो तो नहीं है, खैर लो के साथ आप मीडियम पे गेम प्ले कर सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर। तो यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो विनर रहा। अब हम ऑन कर लेते हैं यहाँ पे टेम्पल रन 2 को, देखते हैं कौन सी डिवाइस पहले इस गेम को ऑन करके हमें दे देती है। तो फाइनली यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर Temple Run 2 स्टार्ट हो चुकी है, और अभी तक Huawei P30 Lite के अंदर थोड़ी लोडिंग हो रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह गया Huawei P30 Lite। मेन रीजन वही हो सकती है 4GB RAM और Kirin 710 का प्रोसेसर, लेकिन दोनों प्रोसेसर आपको 12 नैनोमीटर पर बेस देखने को मिल जाते हैं, जबकि Helio G90T आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे गेमिंग स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो इसके बाद अब हम ऑन कर लेते हैं जी कैंडी क्रश सागा, और देखते हैं कौन सी डिवाइस गेम को पहले ऑन करती है। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट Redmi Note 8 Pro ने काम करना शुरू कर दिया है और गेम को ऑन भी कर दिया है, जबकि Huawei P30 Lite काफ़ी पीछे रह गया है कैंडी क्रश सागा के अंदर। Redmi Note 8 Pro ने बहुत जल्द इस गेम को ऑन करके हमें दे दिया। तो यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस ऑलमोस्ट दोनों डिवाइसेस की पाकिस्तान के अंदर सेम देखने को मिल जाती है। सबवे सर्फर को ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी डिवाइस इस गेम को पहले प्ले करके दे देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी स्पीड के साथ Redmi Note 8 Pro वर्क कर रहा है, और यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर ऑन भी हो चुकी है। थोड़ा सा पीछे रह गया Huawei P30 Lite सबवे सर्फर्स गेम के अंदर, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दोनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम टेस्ट आउट कर लेते हैं जी फ्री फायर को, देखते हैं कौन सी डिवाइस फ्री फायर को पहले प्ले करके देती है, Redmi Note 8 Pro या फिर Huawei P30 Lite। तो यहाँ पे भी Redmi Note 8 Pro ने काम करना शुरू कर दिया है, लोडिंग शुरू हो चुकी है, जबकि अभी तक Huawei P30 Lite के अंदर गैरिना फ्री फायर भी शो नहीं हुआ, अब शो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इन दोनों डिवाइसेस के अंदर। तो फाइनली फ्री फायर Redmi Note 8 Pro के अंदर ऑन भी हो चुकी है, आप इसको प्ले भी कर सकते हैं, जबकि Huawei P30 Lite के अंदर अभी लोडिंग स्टार्ट हुई है। तो काफी सारा डिफरेंस है इस डिवाइस के अंदर। यहाँ पे भी Redmi Note 8 Pro आगे निकल गया, और इस बात का सबूत है कि Helio G90T की चिपसेट वाकई एक काफी अच्छी गेमिंग चिपसेट प्रोवाइड की गई है Redmi Note 8 Pro के अंदर। तो अब हम यहाँ पे PUBG Lite को ऑन करके देख लेते हैं जी इसके अंदर आपको कितना सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे Huawei P30 Lite के अंदर कोड वगैरह लगा हुआ था, तो उसके लिए एक से मतलब थोड़ा सा सेकंड पीछे रह गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको स्पीड काफी अच्छी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे लोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। Huawei P30 Lite थोड़ा सा यहाँ पे पीछे रह गया, उसकी मेन रीजन ये भी हो सकती है कि यहाँ पे कोड लगा होता तो वो लगाने में मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, लैग होगी। तो खैर Huawei P30 Lite और यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर स्पीड टेस्ट वाजे हो गया कि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको स्पीड टेस्ट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्राफिक्स पे भी नजर डाल लेते हैं जी, Huawei P30 Lite के अंदर भी गेम फाइनली ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर ग्राफिक्स पे नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे HD के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन दिया गया है, अगर लो करके देखें बैलेंस पे तो बैलेंस पे आप देख सकते हैं जी बैलेंस पे आपको एक्सट्रीम, और जबकि स्मूथ पे भी आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि Huawei P30 Lite की बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर चल के देखते हैं, यहाँ पे भी आपको बैलेंस के साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। HD का ऑप्शन भी है एक्सट्रीम के साथ, जबकि यहाँ पे बैलेंस के साथ एक्सट्रीम और स्मूथ के साथ भी एक्सट्रीम गेम प्ले कर सकते हैं, यानी कि दोनों के अंदर आपको सेम ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। HD का ऑप्शन भी यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे आपको सेम ग्राफिक्स देखने को मिल रहे हैं PUBG मोबाइल लाइट के अंदर। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के अंदर गेम पहले ऑन हो गई थी। तो फाइनली ये था गेमिंग टेस्ट Huawei P30 Lite और Redmi Note 8 Pro का। वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और आपने देखा कि Redmi Note 8 Pro के अंदर सिर्फ PUBG मोबाइल ही सेम प्ले देखने को मिली, यानी Huawei P30 Lite और Redmi Note 8 Pro ने सेम टाइम के अंदर PUBG मोबाइल को ऑन किया, जबकि और सारी एप्लीकेशंस या फिर गेम्स वगैरह आपको थोड़ी सी पहले
Redmi Note 8 Pro के अंदर देखने को मिली। इसके अलावा Huawei P30 Lite और Redmi Note 8 Pro का मैंने कैमरा कंपैरिजन अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा और कार्ड में भी डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्पीड टेस्ट भी मेरे चैनल पे आपको दोनों डिवाइसेस का देखने को मिल रहा है, पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।